चैनल इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर करंट अफेयर फॉर पीडीएफ ऑफ दिस वीडियो यू हैव टू डाउनलोड नेक्स्ट एग्जामिप्शन एप आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाते हैं सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट स्टार्ट दिस इंपॉर्टेंट वीडियो सो लेट स्टार्ट विद दिस वेरी इंपॉर्टेंट फाइव क्वेश्चन इन क्वेश्चन से आपके करेंट अफेयर रिवाइज भी हो रहे हैं सो ट्राई टू आंसर बाय यूर सेल्फ एट दफ दीडियो आपको इन क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे बट फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू आंसर बाई यूर सेल्फ फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी हैज इंक्रीज द एंट्री एज फॉर द नेशनल पेंशन सिस्टम टू वट ईयरस तो आपको ये बताना है एंड इसके साथ साथ नेशनल पेंशन सिस्टम दिवस भी ऑब्जर्व किया जाएगा ये भी पी एफ आर डी ए द्वारा डिसाइड किया गया तो आपको बताना है उस डेट को भी बताना है कि कौन सी डेट को इसे ऑब्जर्व किया जाएगा नेशनल पेंशन सिस्टम दिवस डे ये बताइए दो क्वेश्चन हो गए एक ही क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन आपके लिए यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज लॉन्च माई पैड माई राइट प्रोजेक्ट इन विच इंडियन स्टेट थर्ड क्वेश्चन है लद्दाख हैज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड विच एनिमल एज स्टेट एनिमल वांग चूआ फेस्टिवल टू वाज सेलिब्रेटेड इन कौन से इंडियन स्टेट में सेलिब्रेट किया गया एंड द फिफ्थ क्वेश्चन इज वन हॉर्न राइनो हैज बीन मेड द ब्रांड मास्कट ऑफ विच कंपनी ऑयल कंपनी है आपको बताना है इस कंपनी का नाम नाउ शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स सो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड डब्ल्यू एच ओ ब्रैंड एम्बेसडर फॉर ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग तो किसे अपॉइंट किया गया यह आपने बताना है करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी गोल्डन ब्राउन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके इन्हें अपॉइंट किया गया डब्ल्यू एच ओ द्वारा लाइक एज द डब्ल्यू एच ओ एम्बेसडर फॉर ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग ये आप याद रखें इनका नाम आप याद रखें बाकी इसमें अनिल सोनी आपको याद होगा न्यू एक फाउंडेशन बनाया गया था डब्ल्यू एच ओ फाउंडेशन लाइक उसके फर्स्ट चीफ बनाए गए थे अनिल सोनी एंड अगर मैं पैट्रिक अमाउंट की बात करूँ ये हेल्थ मिनिस्टर हैं कीनिया के एंड इन्हें अपॉइंट किया गया था चेयरमैन ऑफ डब्ल्यू एच ओ एग्जीक्यूटिव बॉडी इससे पहले हमारे हेल्थ मिनिस्टर थे जो हमारे प्रीवियस हेल्थ मिनिस्टर बेसिकली जो थे हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जी ओके okay, तो उसके बाद जैसे ही जो ये चेयरमैनशिप चेंज हुई तो नाउ दिस चेयरमैनशिप हैज बीन अंडर द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ कीनिया जिसके डब्ल्यू एच ओ एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जो है पैट्रिक अमाउंथ याद रखें टेडरो नॉम तो आप लोग जानते ही हो ये डायरेक्टर जनरल है डब्ल्यू एच ओ के ओके okay, तो आगे बढ़ते हैं एंड डब्ल्यू एच ओ के हेड क्वार्टर जनेवा स्विटरलैंड में मिल जाएंगे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन इज द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ये 188, 118 सौ अट्ठारह वन हंड्रेड एटीन मेन बैटल टैंक्स लेगा ओके अर्जुन एम के वन ए फॉर इंडियन आर्मी तो ये आपने याद रखना है ये इंडिया में ही बनेंगे इट विल सपोर्ट द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव एंड इसका एस्टैब्लिश एंड इसका डिजाइनमेंट जो इसे बनाएगा वो बना रहा है डी का एक लैब है कॉम्बैक्ट विक रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, सी वी आर डी कई मेरे फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है इसका एंड ये चेन्नई बेस्ड है ये डी का लैब ओके okay. तो ये आप याद रखें एंड आत्मनिर्भर भारत को ये सपोर्ट करेगा एंड सेवेंटी फाइव हंड्रेड ट्वेंटी थ्री करोड़ का ये प्रोजेक्ट है ओके okay. तो ये आपने याद रखना है आगे बढ़ते हैं डिफेंस मिनिस्टर आप लोग जानते हो हमारे राजनाथ सिंह हैं डी के बारे में भी आप जानते हो जिसके हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली है जी सतीश रेड्डी इसके डायरेक्टर हैं आप प्रेजिडेंट बोल सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली साना रामचंद गुलवानी हैज़ बिकेम द फर्स्ट हिंदू वुमेन सिविल सर्वेंट ऑफ विच मुस्लिम कंट्री तो किस कंट्री की फर्स्ट हिंदू वुमेन सिविल सर्वेंट बनी है साना रामचंद गुलवानी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान ये आप याद रखें पाकिस्तान उसके बाद जी फोर्थ क्वेश्चन है आज का वीडियो थोड़ा लेट भी है बट कभी भी अगर वीडियो लेट हो जाए ऐसा मत सोचना कि वीडियो नहीं आएगा ड्यू टू तो सम पर्सनल रीज़न वीडियो लेट हो सकता है बट वीडियो कभी मिस नहीं हो सकता उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आपका आपके लिए अफगानिस्तान अफ़गानिस्तान ने आई का ब्रॉडकास्ट रोक दिया है अब अफग़ानिस्तान में जो तालिबान का कब्जा हुआ अब तालिबान के कुछ न्यू रूल्स ही हैं अफगान जो ये इनके न्यू सरकार के अकॉर्डिंग ये देखो वुमेन को ये बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते यानी कि लाइक वुमेन्स का प्रेजेंस स्टेडियम में होना इज वन ऑफ द रीज़न आई को ब्रॉडकास्ट करने से लाइक like, बंद किया गया जो अफगानिस्तान में ओके okay, ये आप याद रखें उसके बाद लद्दाख होस्ट कर रहा है बेसिकली फर्स्ट अवर हिमालयन फिल्म फेस्टिवल uh, 24 फोर से 28 सितंबर तक कल तक चलेगा ये आपने याद रखना है फर्स्ट अवर हिमालयन फिल्म फेस्टिवल ओके okay. उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आ, आपने शेर शाह मूवी जरूर देखी होगी कैप्टन विक्रम बत्रा की लाइफ पे आधारित तो उस मूवी के बाद इस लद्दाख इस हिमालयन फिल्म फेस्टिवल को काफ़ी लाइक एक इनिशिएट मिला इस मतलब प्रमोशन काफ़ी ज़्यादा हुई कारगिल में आप जो मूवी आपने ज़रूर देखी होगी शेर शाह मूवी विक्रम बत्रा की लाइफ स्टोरी पे जिन्होंने अपना सेक्रीफाइस दिया था कारगिल वॉल के दौरान ओके नाइनटीन में ओके उसी के लाइफ पे आधारित थी मूवी देन उस चीज़ के बाद काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लाइक सामने आई एंड ये

बिजोया सांस्कृतिक संस्कृतिक महोत्सव ओके okay, बिजोया संस्कृत सांस्कृतिक महोत्सव ट्वेंटी सिक्स से लेकर ट्वेंटी नाइन्थ सेप्टेम्बर तक इन कोलकाता दिस महोत्सव विल ऑब्जर्व टू मार्क द गोल्डन जुबली ऑफ इंडिया पाकिस्तान वार इंडिया पाक वार हुआ था नाइनटीन सेवेंटी वन में जिसे हम बांग्लादेश लिब्रेशन वॉर भी कहते थे देखो ईस्टर्न पाकिस्तान जब जब ये लड़ाई हुई थी तो उसके बाद बांग्लादेश भी बना था ओके okay, जो बांग्लादेश था इससे पहले उसे ईस्टर्न पाकिस्तान बोला जाता था क्योंकि पाकिस्तान का उस पर कब्जा था तो उसके बाद ये लड़ाई हुई बांग्लादेश लिबरेशन वॉर एंड इसमें हमने लाइक like, बांग्लादेश एक न्यू कंट्री भी बना था इसके बाद क्योंकि ये छोटा सा वॉर था बेसिकली तीन दिसंबर को शुरुआत हुई इसकी सोलह दिसंबर तक वार चला था ये लगभग बारह तेरह दिन के लिए एंड इंडिपेंडेंस हुआ था आज़ादी मिला था बांग्लादेश को उसके बाद नाइनटीन में आप याद रख सकते हो सेकेंड अगस्त शिमला एग्रीमेंट भी साइन हुआ था जिसके तहत जो भी पाकिस्तानी के ट्रूप्स थे सोल्जर्स थे अराउंड नाइन्टी थ्री थाउजेंड उसको भी हमारे इंडियन आर्मी द्वारा एग्री मतलब फ्री किया था रिलीज किया गया था ये आप याद रख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बिकेम द फर्स्ट प्राइवेट कंपनी टू मैन्युफैक्चर ए मिलिट्री एयरक्राफ्ट इन इंडिया तो ये फर्स्ट बनेगी तो द कंपनी इज टाटा बेसिकली टाटा इज द करेक्ट आंसर एंड अंडर दिस एग्रीमेंट ये कंट्रैक्ट साइन हुआ है बीस हजार करोड़ का जिसमें एयरबस डिफेंस एंड स्पेस ऑफ स्पेन ओके टू प्रोक्योर फिफ्टी सिक्स सी टू नाइनटी फाइव मिल्ट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट तो ये इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होगा बेसिकली और स्पेन का कंपनी भी इसमें साथ में काम कर रहा है बट इसका मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट कंपनी टाटा एडवांस्ड सिस्टम द्वारा किया जाएगा ये आप याद रखें इंडिया में ही मैनुफैक्चर्ड होगी नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैकेज फूड विल बी ट्रांस फैट फ्री बाय विच ईयर इन इंडिया एज पर द फूड रेगुलेटरी एफ एस एस आई यानी कि फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जो ये गाइडलाइंस अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ गाइडलाइंस को फॉलो करेगा एंड पैक्ड फूड ट्रांस फ्री फैट हो जाएंगे बाय विच ईयर द ईयर इज टू थाउजेंड ट्वेंटी टू अगले साल यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओल्डेस्ट ह्यूमन फूड इन नॉर्थ अमेरिका हैव बिन डिस्कवर्ड इन विच नेशन तो आप देख सकते हो लगभग लाइक बीस से तीस हजार साल पुराने फुटप्रिंट्स ये आप देख सकते हो ओके okay. तो ये जो लाइक like, रिसर्चर्स ने उनको मिले हैं कहाँ पे न्यू मैक्सिको ये आप याद रखें ओके सो आफ्टर दिस जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन थे उनके आंसर्स में शेयर कर लेता हूँ पी द्वारा जो एंट्री एज नेशनल सिस्टम से बढ़ा दिया गया था बेसिकली uh, 18 से लेकर पैंसठ थी सिक्सटी फाइव थी उसे फर्दर इंक्रीज किया था सेवेंटी ईयर्स तक अब नेशनल पेंशन सिस्टम दिवस थे फर्स्ट अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाएगा ये आप याद रखें उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा माई पैड माई राइट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था त्रिपुरा में लद्दाख का ऑफिशियल एनिमल जो डिक्लेयर हुआ है स्नो लेपर्ड एंड ब्लैक नेक्ड क्रेन बर्ड है वांगचुआ फेस्टिवल आसाम में सेलिब्रेट किया गया एंड वन हॉर्न राइनो ये ब्रांड मास्कट बनाया गया इंडियन ऑयल कारपोरेशन का ये या आप याद रखें आफ्टर दिस इसका आंसर अच्छा आपने मुझे बताना दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू सिरारी सिरारा एंड तामेन ग्लोंग ऑरेंज ऑफ इंडियन स्टेट रिसीव जी आई टैग तो कौन सी इंडियन स्टेट के हैं जिसे अभी रिसेंटली जी आई टैक दिया गया इसका आंसर अच्छा आपने मुझे बताना है सो गाइज विद दिस हमने आज के करंट अफेयर्स खत्म किए उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आया वीडियो आज थोड़ा सा लेट था बट जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया वीडियो लेट हो सकता है बट मिस कभी नहीं हो सकता बाकी आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें अपना सपोर्ट बनाए रखें मिलते हैं फिर कल न्यू वीडियो के साथ विद न्यू क्वेश्चन टेक केयर सी यू सून एंड आंसर बताएं इस क्वेश्चन का एंड जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन है पहले ख़ुद कोशिश जरूर करा करें